अब बच्चों हम इन दर्पण के उपयोग को देखते हैं। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? इसको उपयोग तब रोज करते हैं, आप रोज तैयार होते हैं तो अपने आप को देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पर ये जो गोलीय दर्पण है, उत्तल और अवतल दर्पण, इसमें आपने देखा कि कभी प्रतिबिंब एकदम बड़ा बन जाता है, कभी इसमें प्रतिबिंब छोटा बन जाता है, तो क्या इस प्रकार के दर्पण का उपयोग भी कहीं किया जाता है? इस प्रकार के दर्पण का उपयोग भी किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। बच्चों अपने टॉर्च, सर्च लाइट और गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी को देखा है, ये एक समांतर प्रकाश पुंज देते हैं, स्ट्रॉन्ग बीम प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअली उसमें तो वही बल्ब लगा होता है, अपने टॉर्च में देखा बल्ब वही लगा रहता है, लेकिन एक समांतर प्रकाश पुंज ये किस प्रकार दे पाते हैं, चाहे वो हेडलाइट हो, चाहे टॉर्च हो, चाहे सर्च लाइट हो, यहाँ पर भी एक कॉन्केव मिरर होता है, यानी कि अवतल दर्पण, जो कि रिफ्लेक्टर के रूप में काम करता है और इसके फोकस पर बल्ब लगा होता है, और इस बल्ब से निकलने वाली किरण जब इस कॉन्केव मिरर से टकराती है तो वो समांतर हो जाती है इस दर्पण के मुख्य अक्ष के, और इस प्रकार ये बहुत दूर तक गमन कर पाती है एक समांतर पुंज के रूप में। यदि हम रिफ्लेक्टर ना लगाएं, यानी कि कॉन्केव मिरर ना लगाएं, उस समय भी उस बल्ब से प्रकाश पुंज निकलता, लेकिन ये प्रकाश पुंज चूँकि एक सरल रेखा में निकलता है इस बल्ब की सतह के समांतर, तो ये सभी दिशाओं में फैल जाता और धीरे धीरे एक फैली हुई रोशनी हमको नज़र आती, यानी कि स्ट्रॉन्ग प्रकाश पुंज हमको प्राप्त नहीं होता। लेकिन इस प्रकार का रिफ्लेक्टर यदि लगा दिया जाता है तो बहुत दूर तक ये लाइट हमको एक स्ट्रेट लाइन में जाती हुई नज़र आती है। जब दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रख दिया जाए, उस कंडीशन में उससे प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है और ये वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके शेविंग मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों अपने शेविंग मिरर देखा है, ये साधारण समतल मिरर नहीं होता, ये कॉन्केव मिरर ही होता है, यानी कि अवतल दर्पण होता है, और शेव करते समय व्यक्ति अपने चेहरे को उस मिरर के बहुत पास रखता है। इसका मतलब उसका चेहरा उस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में होता है, और इसीलिए उसमें जब आप प्रतिबिंब देखते हैं तो वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब आपके चेहरे की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, जिसके कारण आप बारीकी से अपने चेहरे को देख सकते हैं और आसानी से सेव कर सकते हैं। और इसीलिए ही इस कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल डेंटिस्ट भी करते हैं। उनके पास एक लंबी स्टिक होती है जिसमें कि छोटा सा कॉन्केव मिरर लगा होता है, और वो आपके दांतों के बहुत पास इस मिरर को रख देते हैं, यानी कि आपका दांत उस समय इस कॉन्केव मिरर के ध्रुव और फोकस के बीच में आता है। इसका मतलब अब वहाँ पर बनेगा आभासी प्रतिबिंब, यानी कि सीधा प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब आपके दांत के आकार की तुलना में बड़ा होगा। इसलिए यदि आपके दांतों में कोई फॉल्ट हुआ, कैविटी हुई, कहीं सड़े हुए दांत हुए, तो वो आसानी से डेंटिस्ट को नज़र आ जाते हैं। और कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल ENT स्पेशलिस्ट भी करते हैं। अपने नाक कान गले वाले डॉक्टर के पास इस प्रकार का अवतल दर्पण देखा होगा। ये डॉक्टर एक पट्टी लगाए हुए होते हैं अपने सिर पर, और यहाँ पर आप देखेंगे सामने में एक दर्पण लगा होता है, वो दर्पण कॉन्केव मिरर होता है, यानी कि अवतल दर्पण। जब आपको कान के अंदर देखना होता है, क्योंकि कान के अंदर तो अंधेरा रहता है, तो उस पर या तो टॉर्च लगाकर देखा जाना चाहिए। अब अगर ENT स्पेशलिस्ट एक हाथ से टॉर्च पकड़ेंगे तो वो दूसरे हाथ से अच्छी तरह से अवलोकन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं कि जिस सीट में मरीज बैठा रहता है, जिसको एनालाइज करना रहता है, उसके पीछे लाइट लगा देते हैं। उस लाइट की जो रोशनी होती है उसके मिरर पर पड़ती है, और उस मिरर की सहायता से वो अपने सिर को हिला डुलाकर झुकाकर उसके कानों में या गले के अंदर फोकस कर लेते हैं, और उसकी सहायता से वो अंधेरे वाले हिस्से को भी अच्छे से देख पाते हैं। क्योंकि कॉन्केव मिरर का काम है कन्वर्ज करना, यानी कि किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करना, तो जो किरणें उसके दर्पण पर पड़ रही हैं, जो सिर पर लगा हुआ है, वो एक्चुअली कॉन्केव मिरर होने के कारण वो सारी किरणों को कन्वर्ज कर देगा।
तो जो ENT स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपने सिर की पोजीशन को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि जो किरणें फोकस हो रही हैं वो उसके कान में या उसके गले के अंदर फोकस हो सके, और इस प्रकार वो आपको अच्छे तरह से एनालाइज कर पाते हैं। इस अवतल दर्पण का इस्तेमाल सोलर फर्नेस में भी किया जाता है। सोलर फर्नेस में सूरज की किरणों को एकत्रित करके वहाँ पर भट्टी का टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, और ये एकत्रित करने का काम ये कॉनकेव मिरर ही करती है, क्योंकि कॉनकेव मिरर सारी समांतर आती हुई किरणों को एक जगह पर यानी उसके फोकस पर एकत्रित कर सकती है, और इसीलिए वो एक जगह पर एकत्रित करने के बाद उस भट्टी के तापमान को बढ़ा सकती है। इसी प्रकार इस कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल सोलर कुकर में भी किया जाता है। हमने देखा है बच्चों कि सोलर कुकर में जो उसका ढक्कन होता है उसमें एक मिरर लगा होता है। यदि समतल दर्पण लगा दिया जाए तो वहाँ से किरणें आके टकराकर रिफ्लेक्ट होके ज़रूर आपके कुकर के अंदर आएंगी, लेकिन उसके स्थान पर यदि कॉनकेव मिरर लगाया जाए तो ये सारी किरणें परावर्तन के पश्चात एक जगह कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि अब स्ट्रांग प्रकाश किरण एक पॉइंट पर मिलेगा, और उसी पॉइंट पे यदि पात्र को रखा जाए तो वहाँ पर खाना बहुत जल्दी पक जाएगा। तो इस प्रकार कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल सोलर कुकर में भी किया जाता है। अब बच्चों सोचिए, इस उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ किया जाता होगा, क्योंकि इसमें तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनता है, और यहाँ प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है। और इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके उत्तल दर्पण का भी अलग अलग जगह पे उपयोग किया जाता है। बच्चों आप यदि गाड़ी चलाते होंगे तब देखे होंगे कि गाड़ी के साइड में एक मिरर लगा हुआ रहता है, और उसी की सहायता से ड्राइवर पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है इसको देख लेता है। आपने नोटिस किया है कि वो मिरर में आपको पीछे की गाड़ियाँ आसानी से दिखाई देती हैं, और उनका आकार गाड़ियों के आकार की तुलना में छोटा होता है, तभी तो आप इतना वाइड रेंज में देख पाते हैं। यदि वहाँ पर समतल दर्पण लगा होता तो वहाँ पर एक ट्रक यदि पीछे होती तो समतल दर्पण में ट्रक के बराबर का प्रतिबिंब आपको उस आईने में दिखता, यानी कि अगर ट्रक बहुत पास होता तो आप यूँ समझे कि ट्रक का सिर्फ सामने का हिस्सा उस दर्पण में आता, तो आप बाकी गाड़ियों को नहीं देख पाते। और सोचिए उस समय आपको गाड़ी रिवर्स करना हो या फिर ट्रैफिक में गाड़ी चलाना हो तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता। यहाँ पर इस्तेमाल होता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है और सीधा बनता है, इसका मतलब वाइड रेंज तक बहुत सारा पीछे का एरिया कवर कर सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ हमारे पीछे हैं, ये क्या हमारे पीछे हैं। और इसी प्रकार बच्चों पहाड़ों में भी अंध मोड़ होता है, यू टर्न, और ऐसा ब्लाइंड टर्न जहाँ पर हमको टर्निंग के दूसरे ओर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, और उस समय दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि कोई हॉर्न देते हुए नहीं आया तो दो गाड़ियाँ टर्निंग में टकराना तो निश्चित ही है। इसको रोकने के लिए पहाड़ों में जहाँ यातायात अधिक होती होगी टर्निंग पर इस उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इस उत्तल दर्पण की सहायता से हम टर्निंग के दूसरे ओर की चीज़ें देख सकते हैं, वहाँ पे कौन सी गाड़ी आ रही है, ये कितना मोड़ है, या वहाँ पर क्या है रास्ते में आगे, ये आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु की तुलना में छोटा होता है, इसलिए हम वाइड रेंज कवर करते हुए टर्निंग के दूसरी ओर भी देख सकते हैं और दुर्घटना से आसानी से बचा जा सकता है। बच्चों जब प्रकाश के मार्ग में कोई पारदर्शी माध्यम आता है तो प्रकाश उसमें से पार तो होती है पर अपने मार्ग से भी विचलित हो जाती है, और प्रकाश की इस घटना को हम अपवर्तन के नाम से जानते हैं। और बच्चों हमने इससे पहले वाले पाठ में जाना था कि जब प्रकाश कांच के गुटके से पार होती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही थी, क्योंकि कांच का गुटका एक पारदर्शी माध्यम था। हमने कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन की घटना को पढ़ा था, और हमने देखा था कि जब प्रकाश इस कांच के गुटके से बाहर निकल रही है तो इसकी दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ पर ये अपने मार्ग से थोड़ा सा शिफ्ट हो गई थी। हमने इस अपवर्तन की घटना को प्रिज्म से भी समझा था, और हमने ये देखा था कि जब प्रकाश इस प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है और
अपवर्तन के पश्चात जब प्रिज्म से बाहर निकलती है तो ये अपने मार्ग से तो विचलित हो जाए रहती है, साथ साथ इसके दिशा में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी कि ये पूर्ण रूप से विचलित हो जाती है। यहाँ हमने जब कांच का गुटका लिया हो या फिर प्रिज्म की फलके ली हो, ये समतल सतह थी। यदि कांच के गुटके में हम देखें तो ये दोनों ही समतल सतह एक दूसरे के समांतर थी, और प्रिज्म में ये दोनों समतल सतह एक दूसरे पर किसी कोण पर टिकी हुई थी। पर ये दोनों ही सतह जिसमें से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, ये एक समतल सतह थी। लेकिन हम ऐसा माध्यम लें जो पारदर्शी हो और जिसकी सतह समतल ना हो, तो क्या प्रकाश का अपवर्तन उसी प्रकार होगा जैसे कि कांच के गुटके में या फिर प्रिज्म में हुआ था? यदि हम एक ऐसा पारदर्शी माध्यम लेते हैं जिसकी सतह समतल ना हो, तो वो सतह कैसी होगी? तो वो सतह गोलीय होगी। तो बच्चों, हम बात करते हैं ऐसे पारदर्शी माध्यम की जिसका पृष्ठ गोलीय हो, और ऐसी वस्तु कहलाती है लेंस। या यूं कहें, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके दो पृष्ठ होते हैं, जिसमें से एक पृष्ठ निश्चित रूप से गोलीय होना ही चाहिए। दूसरा पृष्ठ गोलीय हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। दूसरा पृष्ठ यदि गोलीय ना हुआ तो वह समतल ही होगा। तो इस प्रकार हमें लेंस की वैरायटीज मिलती है। यदि उसके दोनों पृष्ठ गोलीय हुए तो दोनों ही पृष्ठ बाहर की तरफ उभरे हुए हो सकते हैं, और इस प्रकार के लेंस को हम कहते हैं द्वि उत्तल लेंस, क्योंकि इसका दोनों ही पृष्ठ उभरा हुआ है यानी कि उत्तल है, तो ये कहलाता है द्वि उत्तल लेंस। यदि इसके दोनों ही पृष्ठ अंदर धसे हुए हुए यानी कि अवतल पृष्ठ हुए, तो ये कहलाता है द्वि अवतल लेंस। लेकिन एक पृष्ठ समतल हुआ और एक पृष्ठ उत्तल हुआ, तो ये कहलाता है समतला उत्तल लेंस। पर एक पृष्ठ यदि समतल हुआ और एक पृष्ठ अवतल हुआ, तो ये कहलाता है समतला अवतल लेंस। अब ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि एक पृष्ठ उत्तल हो और एक पृष्ठ अवतल हो, तो इसे हम कहते हैं अवतला उत्तल लेंस। और यदि इस प्रकार हुआ कि एक पृष्ठ अवतल हो और दूसरी पृष्ठ उत्तल हो, तो इसे हम कहते हैं उत्तला अवतल लेंस। तो इस प्रकार छह प्रकार के लेंस हमने देखे, पर मुख्यतः हम इसे दो ही भाग में बांटते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और जब मैं कहूँ उत्तल लेंस, तो ये अंडरस्टूड होगा कि वो द्वि उत्तल लेंस है, यानी कि उसके दोनों पृष्ठ उत्तल हैं। और जब मैं कहूँ अवतल लेंस, तो आप इसे अच्छी तरह से समझ जाइए कि इसके दोनों ही पृष्ठ अवतल होंगे, यानी कि ये द्वि अवतल लेंस ही होगा। अब बच्चों, इन लेंस से संबंधित कुछ टर्म्स को जानते हैं। ये लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है। यदि ये दो गोलीय पृष्ठ हैं, यानी कि दोनों पृष्ठ किसी गोल के हिस्से हैं। यदि हम इस उत्तल लेंस की बात करें, तो इस प्रकार इन दोनों ही पृष्ठों से दो गोलों का निर्माण किया जा सकता है, या यूं कहें कि दोनों ही पृष्ठ इन दो गोलों के हिस्से हैं। अब ये दो गोलों के हिस्से हैं, तो इस लेंस में दो केंद्र होंगे, एक इस वाले गोले के लिए और एक इस वाले गोले के लिए। अब ये दो केंद्र हैं, तो यहाँ पर दो त्रिज्याएं होंगी, इन दोनों पृष्ठों की त्रिज्या अलग अलग है। साधारणतः हम जो लेंस की बात करते हैं, जो हम यहाँ पे डेरिवेशन के लिए यूज़ करेंगे, वो लेंस ऐसे होंगे कि इनके दोनों पृष्ठों की वक्रता एक बराबर होगी, यानी कि त्रिज्या भी एक जैसी होगी, दोनों के केंद्र भी समान दूरी पर होंगे। साथ ही हम पतले लेंसों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लेंस के दो पृष्ठ हैं और जब प्रकाश की किरण इस लेंस से गुजरेगी तो इसका दो बार अपवर्तन होगा दोनों पृष्ठों से। तो डेरिवेशन करते समय इन दोनों पृष्ठों के लिए लेकर चलना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम पतले लेंस का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा एज्यूम करते हैं कि अपवर्तन केवल एक ही बार हुआ। ये दोनों पृष्ठ आपस में इतने चिपके हुए रहते हैं, यूँ मान के चलते हैं कि दोनों एक ही पृष्ठ हैं और अपवर्तन केवल एक ही बार हो रहा है। अब मैंने यूँ कहा कि ये दोनों पृष्ठों की वक्रता हम समान ही लेते हैं ताकि हमें सुविधा हो।
इसलिए इन दोनों ही पृष्ठों के जो बीच में बिंदु होगा, यानी कि इनका जो मध्य बिंदु होगा, उसे हम नाम देते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र ऐसे लेंस के बिल्कुल मध्य बिंदु पर होता है। यदि इन दोनों पृष्ठों की वक्रता अलग अलग होती, कोई ज़्यादा वक्री होता, कोई कम वक्री होता, तो ये प्रकाशिक केंद्र बीचों बीच नहीं होता, बल्कि लेंस के किसी एक ओर होता। तो हमने अपनी कठिनाई को दूर करने के लिए दो समान वक्रता वाले पृष्ठों वाले लेंसों का इस्तेमाल किया, ताकि उसका प्रकाशिक केंद्र बीचों बीच हो। एक्चुअली प्रकाशिक केंद्र किसी भी लेंस में वह बिंदु होता है जिसमें से अगर प्रकाश पार होती है तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, वो सीधे सीधे आगे की ओर बिना विचलित हुए बढ़ जाती है। तो मान लीजिए इस लेंस के लिए O प्रकाशिक बिंदु है। अब इस लेंस में दो फोकस होंगे, एक इस वक्रीय पृष्ठ के लिए और एक इस वक्रीय पृष्ठ के लिए। तो जब हम लेंस की बात करते हैं तो उसमें दो केंद्र होते हैं, दो त्रिज्या होती है, दो फोकस दूरी होती है, और जो रेखा इन दोनों केंद्रों से होकर गुजरती है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इसी प्रकार हम अवतल लेंस के लिए देखें, यहाँ पर भी दो अवतल पृष्ठ हैं, दो गोलों का निर्माण कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी दो केंद्र होंगे C1 C2, इनके बीच से गुजरने वाली रेखा को हम कहेंगे मुख्य अक्ष, और यहाँ पर भी दो त्रिज्याएं होंगी R1 और R2, और यहाँ पर भी दो फोकस होंगे F1 और F2, और इस लेंस के बीचों बीच होगा प्रकाश केंद्र, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसे इसलिए हम O से दर्शाते हैं। और ये दोनों वक्रता समान होंगी तो ये ऑप्टिकल सेंटर इन लेंस के मध्य बिंदु में ही होगा। अब इस लेंस से जुड़े और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम चिन्ह परिपाटी को समझते हैं। हमने देखा बच्चों कि हम दर्पण को भी हमेशा अपनी कॉपी के राइट हैंड साइड ही बनाते थे, तो यहाँ पर भी हम लेंस को अपने कॉपी में राइट हैंड साइड ही बनाएंगे और वस्तु को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे। अब इस लेंस को यदि हम बीच से भाग दे देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास दो पोर्शन बच रहे हैं, लेफ्ट वाला और राइट वाला। तो जो लेफ्ट पोर्शन में जितने भी मेजरमेंट किए जाएंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, और राइट हैंड साइड में जितने भी मेजरमेंट किए जाएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, यानी कि धनात्मक लेंगे। इसको याद रखना इतना कठिन नहीं है, आप बस नंबर लाइन याद रखिए। संख्या रेखा में हम बीच में जीरो लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स, बस ऐसे ही आप याद रखिए। वैसे चिन्ह परिपाटी तो ये कहती है कि आपतित किरणों की विपरीत दिशा में जितना भी मेजरमेंट किया जाएगा वो नेगेटिव होगा। तो जब हमने लेंस को राइट हैंड साइड रखा है तो वस्तु को उसके सामने रखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, तो इनसे जो भी किरणें आएंगी वो लेफ्ट से लेकर राइट की ओर बढ़ेंगी, और जितने भी दूरियों का मापन किया जाता है वो सब इसके प्रकाश केंद्र से होता है, यानी कि हम O से मापन करेंगे। तो यदि वस्तु की दूरी हम इस प्रकाश केंद्र से नाप रहे हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये आपतित किरणों की विपरीत दिशा में मापन किया जा रहा है। तो इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं। और यदि हम इस प्रकाश केंद्र से आगे की ओर मापन करें तो वो क्वांटिटीज धनात्मक होगी। इसी तरह हम यदि अवतल लेंस में भी देखें तो इसे भी हम दो भागें बांटेंगे, जिन राशियों को हम लेंस के लेफ्ट हैंड साइड मापन कर रहे हैं वो नेगेटिव होगी, और राइट हैंड साइड मापन किया जाएगा वो पॉजिटिव होगी। अब इन दोनों ही लेंस में देखें, मुख्य अक्ष हमने बनाया है, मुख्य अक्ष के ऊपर, यानी कि इस मुख्य अक्ष के ऊपर ऊंचाई का मापन किया जाएगा या लंबाई का मापन किया जाए, चाहे वो वस्तु की लंबाई हो चाहे प्रतिबिंब की लंबाई हो, इसे हम धनात्मक लेते हैं। जबकि मुख्य अक्ष के नीचे लंबाई का या ऊंचाई का मापन किया जाए तो उसे ऋणात्मक लिया जाता है। अब इन लेंस में प्रकाश किरणों का अपवर्तन किस प्रकार होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये उत्तल लेंस है और मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, इस लेंस से अपवर्तन होगा। अपवर्तन तो दोनों पृष्ठों से होगा, लेकिन यहाँ पर हम लेंस बहुत ही पतला लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि अपवर्तन एक ही बार हो रहा है। अपवर्तन के पश्चात ये सारी किरणें इस बिंदु पर जाकर मिलेंगी और ये बिंदु कहलाता है फोकस। वैसे तो यहाँ पर दो फोकस होंगे F1 और F2, तो
ये अपतित किरणों के डायरेक्शन में आगे जो फोकस होगा वहाँ पर जाके मिलेंगी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस सारी किरणों को एक साथ कर देता है, एकत्र कर देता है, इकट्ठा कर दे रहा है। इसीलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस। जबकि हम अवतल लेंस में देखें तो जो किरणें इस लेंस पर आपतित हो रही थी, टकराने के बाद ये फैल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन अपवर्तन के नियमों के आधार पर ही होगा, तो ये किरणें फैल जाएंगी। अब ये फैलेंगी तो ये कभी भी आगे जाकर नहीं मिलेंगी। यदि हम इन किरणों को इस बिंदु से आता हुआ देखते हैं तो यूँ मान सकते हैं कि सारी किरणें इस बिंदु पर आकर मिल रही हैं। तो F1 इस अवतल लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि इसकी फोकस दूरी इस लेंस के सामने ही है, जबकि हम उत्तल लेंस में देख रहे थे इसकी फोकस दूरी लेंस के आगे थी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसकी फोकस दूरी अवतल लेंस में वो अपतित किरणों की विपरीत दिशा में है, और इसीलिए हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकस दूरी की यदि बात करते हैं तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक ली जाती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ही ऋणात्मक ली जाती है। अब मान लीजिए हम ऐसी किरण को इमेजिन करते हैं जो प्रकाश केंद्र से गुजर रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रकाश केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है लेंस में जहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण अगर गुजरती है तो वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, बल्कि सीधे सीधे लेंस से पार हो जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये प्रकाश की किरण चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इस प्रकाश केंद्र से गुजरने पर ये सीधे सीधे आगे बढ़ जाएगी। जो किरण समांतर आ रही थी वो तो फोकस से गुजर गई, या फिर फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जो किरण फोकस से गुजर रही थी वो अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। यदि हम उत्तल लेंस के लिए देखें तो इस प्रकार एक किरण आ रही है और समांतर हो गई, जबकि हम अवतल लेंस पे देखें तो जो किरण फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही थी वो अपवर्तन के पश्चात इसके समांतर हो जाएगी। तो ये किन्हीं भी तीन किरणों में से कोई भी दो किरण को हम लेकर इमेज बनाते हैं। तो जब हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस से इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो इन तीनों में से किन्हीं भी दो किरणों को चूज कर इमेज का निर्माण कर सकते हैं। और इसी आधार पर हम देखते हैं कि इन लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तल लेंस में किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मान लीजिए हमने एक उत्तल लेंस लिया है। पहली स्थिति लेते हैं जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो। जब वस्तु अनंत पर रखी गई होगी तो इससे आने वाली किरणें समांतर होंगी। मान लीजिए समांतर किरणें मुख्य अक्ष के भी समांतर हैं, तो ये किरणें जब इस लेंस पर आपतित होंगी तो यहाँ पर इनका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात जैसा हमने जाना कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें फोकस से होकर गुजरती हैं, तो ये सारे इस फोकस से होकर गुजरेंगी। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इस फोकस बिंदु पर बनेगा, वो भी उत्तल लेंस के आगे वाले फोकस बिंदु पर। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि इस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। यहाँ पर सारे किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा, बिंदु आकार का। वस्तु कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन उसका प्रतिबिंब बिंदु आकार का ही होगा। इस चित्र से हम देखें तो सारी किरणें यहाँ पर वास्तविक रूप से मिल रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है। तो यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब बिंदु आकार का होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्योंकि ये बिंदु आकार का बनता है तो ये उल्टा बने सीधा भी नहीं, हमें तो समझ में नहीं आता, इसलिए हम इसका सीधा बन रहा है उल्टा बन रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं और यूँ कहते हैं कि बिंदु आकार का है। लेकिन यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो निश्चित रूप से वो उल्टा प्रतिबिंब ही होगा। और बच्चों, उत्तल लेंस के इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम सूरज से आने वाली किरणों को भी एक बिंदु में कन्वर्ज कर लेते हैं। यदि आपके पास उत्तल लेंस है और आप सूरज के नीचे रखें, सारी किरणें दूर से आ रही हैं इसलिए सारी किरणें समांतर रहेंगी। सूरज बहुत दूर पर है और दूर से आने वाली किरणों को हम समांतर किरणें ही लेते हैं।
अब ये समांतर किरणें जब इस उत्तल लेंस पर आपतित होंगी, यहाँ पर उनका हो जाएगा अपवर्तन, और अपवर्तन के पश्चात ये सारी किरणें एक बिंदु पर मिल जाएंगी, और वो बिंदु होगा इस लेंस का फोकस। और यदि उस फोकस पर, जहाँ पर ये सारी किरणें अपवर्तन के पश्चात मिल गई हैं, आप किसी वस्तु को रख दीजिए, मान लीजिए आप सूखा पत्ता रख दिए हैं या फिर कोई कागज रख दिए हैं, आप देखेंगे कुछ देर बाद उन सूखे पत्तों से धुआं निकल रहा है और धीरे से उनमें आग भी लग जाती है। आप कागज भी रखेंगे तो कागज भी जल उठता है। कारण क्या है? ये सारी किरणें एक जगह केंद्रित हो गई, और सूरज की किरणों में बहुत ताप होता है, और जब ये सारी किरणें एक जगह केंद्रित हो जाएंगी तो इनमें इतनी ताप उत्पन्न हो सकती है कि सूखे पत्तों को या कागज को भी जला सकते। तो बच्चों, आप भी इस प्रयोग को अपने स्कूल में मौजूद उत्तल लेंस की सहायता से करके देखें, पर अपने टीचर के परमिशन से ही और उनकी मौजूदगी में ही। अब देखते हैं कि वस्तु यदि इस लेंस के पास ला दी जाए, मान लीजिए वस्तु 2F के सामने हो, यहाँ पर हमने मुख्य अक्ष बनाया है, इस लेंस को ऑप्टिकल सेंटर लिया, इसके दो फोकस लिए हैं, और फोकस से दुगनी दूरी ली है यानी कि 2F दोनों ओर हमने लिया है। अब मान लीजिए कि वस्तु 2F से पहले है, मान लीजिए अनंत और 2F के बीच में है, तो एक किरण हम लेते हैं जो इसके समांतर है मुख्य अक्ष के, ये अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, और जो किरण प्रकाश केंद्र से जारी है वो सीधे सीधे आगे गुजर जाएगी। जहाँ पर ये दो किरणें आपस में मिलेंगी वहीं पे निर्माण होगा प्रतिबिंब का। वैसे बच्चों, हम यहाँ पर दो ही किरण ले रहे हैं, इन वस्तुओं से तो बहुत सारी किरणें जा रही हैं, अनंत किरणें यहाँ से निकल रही हैं, लेकिन प्रतिबिंब निर्माण के लिए केवल दो ही किरणों की आवश्यकता होती है। दो ही किरणें जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो हमने जो तीन किरणों के बारे में पढ़ा था, जिनके अपवर्तन के नियम को हमने जाना था, उनमें से कोई भी दो किरण आप ले सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया। तो यहाँ पर मैंने ये दो किरण ली जो एक समांतर और एक प्रकाश केंद्र से गुजर रही है। आप एक ऐसी किरण भी ले सकते हैं जो कि इसके फोकस से गुजर रही हो, और वो जब समांतर हो जाएगी तो भी वो उसी बिंदु पर ही मिलेगी, मतलब प्रतिबिंब का निर्माण उसी जगह पर ही होगा। तो यहाँ पर आप किन्हीं भी दो किरणों को लेकर प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण इस जगह पर हो रहा है, ये 2F से पहले है। हमने वस्तु को लेफ्ट हैंड साइड में 2F के पहले रखा था, मतलब पीछे रखा था, और यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण 2F के सामने हो रहा है, और ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। साथ ही हम देखें कि प्रतिबिंब का आकार पहले वाली तुलना में बढ़ गया है। पहले प्रतिबिंब बिंदु आकार का था जब वस्तु बहुत दूर पर था, लेकिन जैसे ही हमने पास लाया अब प्रतिबिंब का आकार बढ़ गया, लेकिन अब भी ये वस्तु की तुलना में छोटा ही है। अब हम अगली स्थिति देखते हैं, हम इस वस्तु को और आगे ले आते हैं, वस्तु को हमने रखा है 2F पर। अब यहाँ से एक किरण समांतर जारी है, वो इस फोकस से होकर गुजरेगी, जो प्रकाश केंद्र से गुजर रही है वो आगे निकल जाएगी, और यहाँ पर ये दो किरणें मिल रही हैं यानी कि 2F पर। तो यदि वस्तु 2F पर रखी गई हो तो उसके प्रतिबिंब का निर्माण भी 2F पर ही होगा, यानी उतनी ही दूरी पर होगा लेंस के दूसरी ओर। इसीलिए ये प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही होगा, यानी जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब हम वस्तु को और आगे ले आते हैं, यानी कि 2F और F के बीच में। यहाँ पर भी हमने दो किरणें ली, पहली वाली किरण ये अपवर्तन के पश्चात आगे बढ़ रही है, ये दूसरी किरण ये भी प्रकाश केंद्र से होते हुए आगे बढ़ रही है। अब यहाँ हम देखें तो प्रतिबिंब का निर्माण इस जगह पर हो रहा है, ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा होगा। मतलब हम जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाते जा रहे हैं, प्रतिबिंब का आकार बिंदु से बढ़ते जा रहा है। पहले बिंदु आकार का प्रतिबिंब था, फिर और बड़ा हुआ, फिर वस्तु के बराबर हो गया, अब वस्तु को और पास ला रहे हैं तो वस्तु से भी बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। अब अगली स्थिति, हम वस्तु को और आगे ले आते हैं यानी कि F पर। अब यहाँ से एक किरण इस प्रकार फोकस से गुजर गई, दूसरी किरण जो प्रकाश केंद्र से जा रही है वो सीधे सीधे आगे बढ़ गई।
इन दोनों किरणों को हम देखें तो ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर लग रही हैं, और हम ये मान के चलते हैं दो समांतर किरणें अनंत पर मिलती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों किरणें भी अनंत पे जाकर मिलेगी। इसका मतलब प्रतिबिंब का निर्माण भी अनंत पे होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत होगी, और यदि प्रतिबिंब का निर्माण होगा अनंत पे, यानी इन किरणों के मिलने के कारण, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा और वस्तु से कहीं बड़ा होगा। अब अगली स्थिति देखते हैं। हम वस्तु को और आगे ले आते हैं, यानी कि प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में लाते हैं। इसमें से भी जो एक किरण समांतर थी वो आगे गुजर जाएगी फोकस से, दूसरी किरण हम लोग जो लिए वो इस मार्ग पे आगे जा रही है। अब इन दोनों किरणों को देखें तो ये दोनों किरणें कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ते ही जा रही है। तो यहाँ पर कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। पर इन किरणों को यदि हम पीछे की ओर खींचते हैं तो ऐसा प्रतीत होगा ये इस बिंदु से आ रही हैं, और यूँ कहें कि इसी जगह पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और ये प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा, क्योंकि यहाँ किरणें वास्तविक रूप से आपस में नहीं मिल रही हैं, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि वो किरणें उस जगह से आ रही हैं या वहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और आभासी प्रतिबिंब सदैव ही सीधा बनता है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा होगा और आभासी होगा। और इसकी आकार की बात करें तो ये वस्तु की तुलना में बड़ा होगा। तो इस प्रकार हम देखें कि उत्तल लेंस में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कभी प्रतिबिंब सीधा बनता है, कभी प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यानी कि वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण उत्तल लेंस में होता है। और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का आकार भी चेंज होता है। जब वस्तु बहुत दूर रहता है तो प्रतिबिंब बिंदु आकार का, जैसे जैसे वस्तु को हम पास लाते जाते हैं प्रतिबिंब का आकार बढ़ते जाता है। और ये प्रतिबिंब उल्टा ही रहता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब प्रतिबिंब सीधा हो जाता है और इसका आकार वस्तु से बड़ा होता है। अब हम अवतल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण देखते हैं। हम जानते हैं कि अवतल लेंस किरणों को फैला देता है, और इसीलिए इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। अब मान लीजिए इस अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आ रही हैं, या यूँ कहें कि वस्तु बहुत दूरी पर रखा गया है और इससे आने वाली सारी किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर हैं। अब जैसे ही ये इस अवतल लेंस पर आपतित होंगी, ये फैल जाएंगी, और ये किरणें कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी। इसलिए यदि इन किरणों को हम पीछे की ओर लेते हैं तो ऐसा प्रतीत होगा कि इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, और इस बिंदु पे ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा, और ये अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस दिशा में किरणें आ रही थी, जिस डायरेक्शन से आ रही थी, उसी ही साइड फोकस बिंदु पर इस अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। और ये प्रतिबिंब बिंदु आकार का होगा, और ये प्रतिबिंब आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। चूंकि ये बिंदु आकार का है इसलिए सीधा बने या उल्टा बने, दिखेगा तो वो बिंदु आकार का ही, इसलिए हम लोग जनरली इसके सीधा या उल्टा होने की चर्चा नहीं करते। पर ये आभासी प्रतिबिंब है तो निश्चित रूप से ही सीधा प्रतिबिंब होगा। अब मान लीजिए इस लेंस के सामने हम एक वस्तु रख देते हैं। अब वो कितनी भी दूरी पर रखें, यहाँ से आने वाली किरणें इस लेंस से टकराकर फैल ही जाएंगी, क्योंकि ये अपसारी लेंस है, किरणों को फैला देता है। हमने एक किरण लिया है जो इस मुख्य अक्ष के समांतर थी, टकराने के बाद आगे बढ़ गई। जो इसके प्रकाश केंद्र से गुजर रही थी वो आगे आगे निकल गई। अब ये दोनों किरणें भी कभी आपस में नहीं मिलेंगी, तो हम इस पहले वाली किरण को पीछे की ओर लेते हैं, और जहाँ पे दोनों किरणें मिल रहे हैं वहीं पर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा, और ये प्रतिबिंब आभासी होगा, क्योंकि यहाँ पर किरणें आपस में मिल तो नहीं रही थी, हमने इसको पीछे की ओर इमेजिन किया और उसके बाद हमने यहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण देखा। तो ये आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होगा। और इस स्थिति में हम देखें कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा ही है। चाहे वस्तु को कहीं पर भी आप रखें, ये आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की तुलना में छोटा ही होगा।
और लेंस के जिस ओर वस्तु रखा गया है उसी ओर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और इस प्रकार हमने देखा कि दोनों ही प्रकार के लेंस में अलग अलग तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण होता है और इसी कारण ही दोनों ही प्रकार के लेंस का उपयोग अलग अलग स्थिति में किया जाता है।